नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्न टेक्निकल में। फिर से दोस्तों नई जॉब की इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज यानी कि PSU जॉब है, मद्रास फर्टिलाइजर लिमिटेड की तरफ से दोस्तों रिक्रूटमेंट आती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है। आप सभी भारतीय इंडिया की किसी भी स्टेट किसी भी सिटी से आते हैं तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन मोड से आवेदन करना है, कैसे आवेदन करना है वो भी बताऊंगा। शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली जॉब अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो एक एक करके दोस्तों बात करते हैं। यहाँ पे दोस्तों ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग और जो है टेक्निकल असिस्टेंट ट्रेनिंग, इन सभी के लिए रिक्रूटमेंट है। यहाँ पे दोस्तों प्रोडक्शन केमिस्ट, मार्केटिंग, सेफ्टी, पर्सनल, कमर्शियल एंड MM और एनालिस्ट प्रोग्रामर और फाइनेंस एंड अकाउंट, इन सभी के लिए जो है वो रिक्रूटमेंट है। अभी मान लीजिए PE BTech अगर आपने करी है, केमिकल में पेट्रोकेमिकल में आप प्रोडक्शन के लिए आवेदन कर सकते हैं। केमिस्ट वाले MSc अगर आपने जो है वो करी हुई है तो आप आवेदन कर सकते हैं। मार्केटिंग में अगर आपने BSc करी है, एग्रीकल्चर में MBA करी हुई है, मार्केटिंग में आवेदन कर सकते हैं। सेफ्टी के लिए किसी भी ब्रांच में अगर आपने जो है वो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी करी है, डिप्लोमा करा हुआ है, आवेदन कर सकते हैं। बाकी दोस्तों पर्सनल के लिए जो है अगर आपने PG डिग्री करी हुई है मैनेजमेंट में, या आपने जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में करी है, सोशल वर्क में करी है सोशोलॉजी, या आपने फुल टाइम MBA करी हुई है, आप आवेदन कर सकते हैं। उसी तरह दोस्तों एनालिस्ट प्रोग्रामर के लिए BE BTech कंप्यूटर साइंस IT वाले आवेदन कर सकते हैं। ECE में करी है, MCA करी है, MSc IT करी है तो आप आवेदन कर सकते हैं। बाकी किसी भी तरह की ज़्यादा जानकारी के लिए नोटिफिकेशन ज़रूर जो है वो रीड कीजिएगा। टेक्निकल असिस्टेंट ट्रेनी की पोस्ट के लिए दोस्तों यहाँ पे जो है वो डिप्लोमा करा हुआ आपने केमिकल पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग का तो आप आवेदन कर सकते हैं ऑपरेशन के लिए। लैब एनालिस्ट की पोस्ट के लिए दोस्तों अगर आपने BSc करी है केमिस्ट्री में एज ए मेजर सब्जेक्ट तो आप आवेदन कर सकते हैं। मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा वाले आवेदन कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन और सिविल में जो है वो अगर आपने डिप्लोमा करा हुआ है आवेदन कर सकते हैं। अब बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सनल की। यहाँ पे दोस्तों अकाउंटेंट, जूनियर असिस्टेंट, जूनियर मार्केटिंग असिस्टेंट, जूनियर पर्सनल असिस्टेंट, इन सभी के लिए रिक्रूटमेंट है। BCom और CA वाले अकाउंटेंट के लिए आवेदन कर सकते हो। और किसी भी डिग्री में जो है यहाँ आपके पास डिप्लोमा है, कमर्शियल प्रैक्टिस है, मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिस है, नॉलेज है आपको टाइपिंग की, कंप्यूटर स्किल्स की जानकारी है तो आप इसमें आवेदन जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट देख सकते हैं, सिर्फ टेक्निकल असिस्टेंट ट्रेनी के लिए भी यहाँ पे 62 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। बात करते हैं दोस्तों अपर एज लिमिट की। तो अगर आप जो ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए आवेदन कर रहे हैं तो 28 साल है, और अगर आप जो है वो टेक्निकल असिस्टेंट ट्रेनी या जो है लैब असिस्टेंट ट्रेनिंग के लिए आवेदन जो है वो कर रहे हैं तो 25 साल मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल मिलेगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल के अकॉर्डिंग मिलेगी जैसा कि पहले मिलती आई है। जॉब लोकेशन और एग्जाम लोकेशन जो है, जॉब लोकेशन आपकी हो सकता है कहीं भी हो जाए लेकिन एग्जाम लोकेशन आपकी चेन्नई में ही होगी, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। 16 अक्टूबर को दोस्तों लास्ट डेट है, इसी से पहले पहले आपको आवेदन करना है। ग्रेजुएट इंजीनियर अगर आप मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए आवेदन करेंगे 30,000 पर मंथ आपको मिल जाएगा, एक साल का ट्रेनिंग होगा, उसके बाद जो है आपको प्लेस कर दिया जाएगा E1 लेवल पे। तो यहाँ पे दोस्तों उसके बाद जो है वो टेक्निकल असिस्टेंट ट्रेनिंग की पोस्ट के लिए 20,000-25,000 तक आपको स्टाइपेंड पर मंथ जो है वो मिल जाएगा, और उसके साथ जो है जैसे ही आप ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट कर जाते हैं उसके बाद Grade 4 की आपको जो है वो सैलरी मिल जाएगी। बात करते हैं प्लेस ऑफ पोस्टिंग। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि प्लेस पोस्टिंग जो है आपकी कहीं भी हो सकती है इंडिया में, अक्रॉस इंडिया हो सकती है, लेकिन आपके जो एग्ज़ाम होंगे वो चेन्नई में ही होंगे। यहाँ पे दोस्तों आपको सर्विस एग्रीमेंट भर के देना होगा जो बोर्ड होता है। मेथड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो दोस्तों आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा और शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। जो लोग एग्जाम में शॉर्टलिस्टेड होंगे उनको आगे जो बुलाया जाएगा। उसी तरह दोस्तों TAT की पोस्ट के लिए भी यहाँ पे दोस्तों जो जो लोग जो है वो एग्जाम क्लियर कर जाएंगे उनको जो है वो इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। क्वेश्चन पेपर 2 पार्ट में होगा, डिसिप्लिन रिलेटेड पार्ट होगा, उसके बाद जो है एप्टीट्यूड पार्ट होगा। मीडियम ऑफ टेस्ट विल बी इंग्लिश, इंग्लिश में इंटरव्यू जो है आपका टेस्ट होने वाला है। ड्यूरेशन टेस्ट की रहेगी 2 घंटे की। टोटल नंबर जो है क्वेश्चन वो होंगे 120, और जो 60 क्वेश्चन होंगे और 120 जो है उनके मार्क्स होंगे। यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस, और एक मार्क का एक क्वेश्चन जो है वो होने वाला है, और आपको रॉन्ग मार्क का जो है वो पता ही है, 90 मार्किंग जरूर जो है वो होने वाली है। अप्लाई दोस्तों कैसे करना है, ऑनलाइन मोड से दोस्तों आपको अप्लाई करना है, और 25 सितंबर से आवेदन शुरू है, 16 अक्टूबर 2019 तक चलेंगे, इसी के बीच में आपको आवेदन करना है। बात करें दोस्तों एप्लीकेशन फ़ीस की, तो 300 रुपये की फ़ीस जो है वो रखी गई अगर आप TAT LAT के लिए आवेदन करते हैं, और अगर जो है आप अप्लाई कर रहे हैं ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए तो यहाँ पे 500 रुपये की फ़ीस पे करनी है। बाकी अगर आप जो हैं वो
एससी से आते हैं, एसटी से आते हैं, पीएचपी हैं या एक्स सर्विस मैन हैं, तो किसी भी तरह की फीस देने की जरूरत नहीं है, आप फ्री में आवेदन कर सकते हैं। सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहां पे जाके आप इसको जो है वो डाउनलोड भी कर पाएंगे नोटिफिकेशन को, और इसके लिए आवेदन भी कर पाएंगे। तो यही लिखा गया दोस्तों इस नोटिफिकेशन में। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ आई होगी। वीडियो से रिलेटेड अगर आपके कुछ क्वेश्चन हैं कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।